हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस बुक गुजरात बोर्ड ग्रेड 11 से। इसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आइडेंटिफाइड एज अ साइंस अमंग सोशल साइंसेज। जो भी हम सोशल साइंस पढ़ते हैं उसके अनुसार पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस के ही रूप में पहचानी जाती है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो अ साइंस लाइक डिफरेंट साइंसेज, और बाकी साइंस के जैसे ये भी एक पॉलिटिकल साइंस भी साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एक्सेट्रा विच स्टडी सोसाइटी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। ऑल दी सोशल साइंसेज टच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन। तो ये जितनी भी सामाजिक हमारी साइंस बनी है, ये क्या करती हैं, इंसान की जो एक सामाजिक जिंदगी है उसके अलग अलग पहलू को छूती हैं। सो दे आर कॉल्ड सोशल साइंसेज, इसलिए इनको सोशल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस हैज अ स्पेशल पोजीशन अमंग ऑल दी साइंसेज विच स्टडी स्पेसिफिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। अब पॉलिटिकल साइंस की भी एक खास जगह है इन सब साइंस में, क्योंकि जो खास तौर पे और व्यापक तौर पे अलग अलग पहलू जो हैं समाज के, उनके स्टडी करती है। द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पॉलिटी ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। अब ये वर्ड पॉलिटिकल हमें कहाँ से मिला, ये हमें ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है पॉलिटी, उससे मिला। पीपल ऑफ ग्रीस कॉल देयर टाउन और सिटी एज पॉलिटी। ग्रीस के लोग जो है अपने टाउन या शहर को पॉलिटी बोलते हैं। Thus, it was believed political science means science which discusses the city life. तो ये माना गया कि political science का मतलब हुआ वो science जो एक शहरी जिंदगी का discussion करती है. It can be said that at that time there were city states. In recent times, city states are not in existence and they are replaced by small or large huge states. ये माना जाता है कि उस समय जो है city states थे, लेकिन आज की डेट में सिटी स्टेट्स तो होते नहीं है, अब क्या है, छोटे या बड़े स्टेट्स हैं। एरिस्टोटल, अ रिनोन फिलोसोफर, स्टेट्स दैट ह्यूमन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल, ऑब्वियसली दे विश टू लिव इन अ ग्रुप। अब एरिस्टोटल जो कि एक बहुत ही फेमस जाने माने फिलोसोफर हैं, उनका कहना था कि इंसान जो है नेचर से एक सामाजिक प्राणी है और उसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। आइसोलेशन इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन, वी नो दैट A person is attached with human society from very birth till death. अकेला रहना बहुत ही मुश्किल है इंसान के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंसान जो हमारा समाज है, मानव समाज, उससे जुड़ा होता है जब वो पैदा होता है तब से लेके जब तक उसकी डेथ होती है तब तक। Thus, human and society are closely related. इसलिए human और society दोनों एक दूसरे से बहुत ही closely संबंधित हैं। In addition to social animal, Human is also a political animal. सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ human जो है वो एक राजनीतिक प्राणी भी है। Various activities are being run in the society wherein political activities are also included and political activities are connected with politics. बहुत सारी गतिविधियां हमारे समाज में होती हैं, उसमें राजनीतिक गतिविधियां भी शामिल हैं, और ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं ये राजनीति से संबंधित हैं। In short, Where there is a human society, politics enters. और जहां भी मानव समाज होगा वहां राजनीति अपने आप आ जाती है। Meaning of political science. Political science studies the state systematically and scientifically. अब political science में क्या होता है, जो state है उसकी study बहुत ही systematic और scientific स्तर पर होती है। It discusses the principal matters of the state. जो मुख्य मुद्दे हैं उनको जो है डिस्कस किया जाता है, जो भी राज्य के मुख्य मुद्दे हैं उनको मेनली डिस्कस किया जाता है। वेयर इन स्टेट इट्स ओरिजिन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग स्टडीड। इसके साथ साथ राज्य, उसका ओरिजिन, कैसी गवर्नमेंट है, क्या रिलेशन है स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, इन सब के बीच में स्टडी होती है। सिंपल डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस कैन बी गिवन एज। अब अगर बिल्कुल हम सिंपल सी डेफिनेशन में पॉलिटिकल साइंस को बताएं तो पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस मींस अ साइंस व्हिच हैज रिलेशन विद इट्स एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस का मतलब हुआ वो साइंस जिसका संबंध जो भी स्टेट की गतिविधियां हैं या उनकी समस्याएं हैं उससे है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डिसिप्लिन इज टू गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट इट स्टडीज। कोई भी डिसिप्लिन हो
उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी वो पढ़ाई हो रही है उसके संबंधित उसको जानकारी दे, एक्सप्लेन करे। इन दिस सेंस इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली हाउ पॉलिटिकल इवेंट्स ऑकर, इन विच मैनर इट ऑकर्स, विच आर द फोर्सेज एंड रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब इस संदर्भ में कहें तो ये क्या कोशिश करता है हमें सिस्टमैटिक तौर पर समझाने की कि पॉलिटिकल घटनाएं कैसे होती हैं, किस तरीके से वो घटती हैं और कौन कौन सी ताकतें या कारण होते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन एडिशन टू इट इट अटेम्प्ट्स टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स, इट्स इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस एटसेट्रा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज चेंजिंग। इसके अलावा वो कोशिश करता है कि स्टेट या पॉलिटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताएं, उसके इंस्टीट्यूशन फंक्शन उनके बारे में। तो एक तरह से कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का वो बदल रहा है। कॉन्सेप्ट चेंजेस टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ कॉन्सेप्ट में बदलाव होता है। नॉट ओनली दैट, इट सीम्स इट्स एरिया इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे उसका जो एरिया है उसमें भी विस्तार हो रहा है। इन दिस मैनर वी कैन सी द चेंजिंग मीनिंग एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से हम जो एक बदलता हुआ मीनिंग है, अर्थ है, साथ साथ उसकी जो शक्ल है पॉलिटिकल साइंस की वो हम देख सकते हैं। एंशिएंट एजेस, इन एंशिएंट टाइम्स पॉलिटिकल साइंस वाज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी और मॉरल साइंस। पहले जमाने में पॉलिटिकल साइंस को माना जाता था कि यह फिलॉसफी या मॉरल साइंस का हिस्सा है। व्हाट इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस टुडे वाज नोन एज राजनीति शास्त्र इन द एंशिएंट एज। आज जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, पहले जमाने में ये राजनीतिक शास्त्र के नाम से जाना जाता था। दिस वर्ड मेक एब्सोल्युटली क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड मॉरल साइंस। तो अगर देखा जाए तो ये जो राजनीति शास्त्र है ये बताता है कि इसका बिल्कुल सही सही रिलेशन किसके बीच में है, पॉलिटिकल साइंस और मॉरल साइंस में। कौटिल्य आइडेंटिफाइड इट एज दंड नीति। कौटिल्य ने इसको क्या पहचान दी, दंड नीति के तौर पर। स्कॉलर्स लाइक प्लेटो हैड डिस्कस्ड पॉलिटिक्स फॉर गवर्नमेंट्स एज सेंट्रल पार्ट ऑफ मॉरल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन। स्कॉलर्स जैसे कि प्लेटो हैं, इन्होंने क्या किया है डिस्कस कि जो पॉलिटिक्स है गवर्नमेंट की वही एक तरह से मुख्य हिस्सा है जो भी नैतिक प्रैक्टिस करी जाती है इंसान के द्वारा उसके लिए। Separating it from moral science and moral practices and establishing it as an independent branch of knowledge was done by Aristotle and so he is considered to be the father of modern political science. Aristotle ने जो है जिनको कि हम father मानते हैं modern political science का, उन्होंने जो भी moral science है या moral practices हैं उसको अलग किया और इसको एक independent branch of knowledge की तरह establish किया। इसीलिए उनको father of the modern political science कहा जाता है। The great philosopher Kautilya, who separated it from moral science and established it as an independent branch of knowledge in his book Arthashastra. अब जो great philosopher Kautilya हैं, उन्होंने क्या किया? इसको moral science से अलग किया और इसको establish किया एक independent branch of knowledge के तौर पे अपनी book Arthashastra में। Medieval period, influence of theology were the most important in the medieval period, so political science was considered to be a part of theology. धर्मशास्त्र का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा था मेडिवल पीरियड में, तो पॉलिटिकल साइंस को ये माना गया कि वो धर्मशास्त्र का एक हिस्सा है। किंग होल्ड्स अनलिमिटेड पावर्स बिकॉज ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजा जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर माने जाते थे क्योंकि उनको ये मान देखा जाता था कि वो जो है आइदर भगवान का एक हिस्सा है या उन्हीं के ही एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड रिवॉल्यूशन in the field of ideas and laid foundation in modern political philosophy. पर जब वो दौर आया जब रेनेसेंस यानी रीबर्थ का एक वो चल रहा था दौर, रिफॉर्मेशन हो रहा था, तब एक अभूतपूर्व क्रांति आई आइडियाज के फील्ड में और उसने जो है नींव रखी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में। Instead of discussions on religious points, discussions were held on realistic issues like powers of state, state organized social organization, unity of nation. अभी तक जो बहस होती थी वो ज्यादातर धार्मिक मुद्दों को लेकर होती थी, अब जो बहस होने लग गई वो रियलिस्टिक मुद्दों पे होने लग गई, जैसे स्टेट की पावर की बात कर लें, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की कर लें या फिर नेशन की यूनिटी को लेके। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकम मोर रियलिस्टिक। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो गया। मॉडर्न पीरियड, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बिगन फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी।
एक सिस्टमैटिक तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई है एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पे, इसकी शुरुआत हुई लेटर हाफ में 19th सेंचुरी के। इन द बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी वेरियस यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। 21st सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अब पॉलिटिकल साइंस को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। विद दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस वर कम इन अप्रोच ऑफ इट्स स्टडी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव जो है इस स्टडी को करने के तरीके में आए। अंटिल देन स्टडी ऑफ स्टेट एंड सब्सिक्वेंट मैटर्स वर मेड बाय एंड लार्ज विद आइडियलिस्टिक अप्रोच। इंस्टेड वेटेज वर गिवन टू द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर इन पॉलिटिक्स। तब तक क्या होता था, जो स्टेट की या और भी जो मुद्दे हैं उनकी स्टडी जो है वो काफी हद तक आइडियलिस्टिक अप्रोच से करी जाती थी, और जोर जो है अब किस पे दिया जाने लग गया था, जो स्टडी होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, पहलुओं पे, या जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है पॉलिटिक्स में उसके ऊपर। दिस कॉन्सेप्ट वाज नोन एज बिहेवियरल अप्रोच। आप किस तरीके से उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपका कैसा नजरिया है, बिहेवियर है, अब उस कॉन्सेप्ट को जाना जाने लग गया। इन एडिशन टू दैट स्पेशल वेटेज वाज गिवन टू प्रिपेयर साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा साथ साथ खास तौर पर जोर दिया जाने लग गया कि जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की उसके लिए अब एक साइंटिफिक अप्रोच की जो है उसकी तैयारी करके फिर जो है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को किया जाए।